बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है वो नंबर थ्री के ऊपर है, और नंबर थ्री में डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर हमने ये थ्योरम करना है, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पास कोई से भी दो नंबर्स हों, जैसे कि बाय डेफिनेशन में डेफिनेशन ही जीसीडी की कोई से दो नंबर्स की जीसीडी की ये होती है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स हों प्रोवाइडेड कि उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो है तो उनका जीसीडी एग्जिस्ट करता है। तो यही बात जो है बेसिकली एक थ्योरम का रिज़ल्ट है। ये थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं उनमें से वन ऑफ देम इज़ नॉन जीरो तो उनका जीसीडी भी एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट भी करता है और साथ में यूनिक भी होता है। यही बात आपने प्रूव करके दिखानी है। अब देखिए, आप इसका प्रूफ हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये है कि जिन दो नंबर्स का आपने जीसीडी फाइंड करना होता है उन दो नंबर्स को के नेगेटिव होने से, उनकी वैल्यूज़ के नेगेटिव होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर उनमें से दोनों नंबर्स या कोई एक नंबर नेगेटिव इंटीजर भी हो तो हम उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, हम उनके पॉजिटिव वैल्यू को लेके तो इंटीजर जीसीडी फाइंड आउट करते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये उसने लिखी हुई है कि ए और बी को दरअसल जब आप जीसीडी फाइंड करते हैं तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज़ को सिंबल को इग्नोर करके आप उनकी वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करके तो उनका जीसीडी फाइंड करते हैं। दैट्स वाई हम जब दो नंबर्स का जीसीडी लेंगे दो इंटीजर्स का तो हम उन्हें पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो उनको सिंबल को फ़िलहाल वक्ती तौर पर साइड पर रखेंगे। उसके बाद जीसीडी जो है वो चूँकि हमेशा पॉजिटिव ही आता है इसलिए ये बात है। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने किया क्योंकि ए और बी दो नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं, इनमें से एक नंबर को दूसरे नंबर से ग्रेटर सपोज कर लिया। यही काम आप बी को ग्रेटर सपोज करके भी कर सकते हैं, दो केस बना के कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है कि थ्योरम इटसेल्फ काफ़ी लंबा है। अगर आप दूसरा वाला सिमेट्रिक केस भी करेंगे तो वो आपका बहुत लंबा थ्योरम हो जाएगा। सेम रिजल्ट एप्लीकेबल है। अगर कोई चाहता है कि वो बी को ग्रेटर मान के ए को सपोज करे लेस है तो वो कर सकता है। मैंने यहाँ पे ए को ग्रेटर मान के बी को लेस सपोज किया क्योंकि सारे दो इंटीजर्स हैं, उनमें से कोई एक तो दूसरे से बड़ा ही होगा। अगर आप ये सपोज करें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी तो आप इससे चलें और इससे सारा थ्योरम प्रूव करें, और उसका सिमेट्रिक केस मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप चाहें तो उससे भी चेक कर सकते हैं। सेम रिज़ल्ट निकलेगा जो इससे निकलेगा। अच्छा जी, आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम लगाया। ज़ाहिर है एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, आपने इनके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम लगाया और आपने ए को जो बड़ा नंबर है उसे डिवीजन के अंदर रखा और डिविडेंड में रखा और डिवाइजर में रखा आपने बी को। आपने डिवाइड किया, डिवाइड में एक रफ एक जिसे आप कहते हैं एक जनरल डिवीजन का प्रोसेस आपने चलाया। यहाँ पर क्वेश्चन कोई क्यू रखा जैसे क्यू वन कह दिया और बी क्यू वन आया और जो रिमाइंडर आपके पास आता है आर वन, ये आपने फिर उस डिवीजन इक्वेशन बना ली है। डिवीजन एल्गोरिथम से डिवीजन इक्वेशन बना ली। डिवीजन इक्वेशन कैसे कि आपका जो डिविडेंड होता है वो बराबर होता है आपके डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। ये तो एक अंडरस्टूड बात है, ये इक्वेशन जो सबको बनाना आती है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है, जब भी आप डिविजन एल्गोरिथम करते हैं या डिविजन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो भी आपका रिमाइंडर आता है तो उसके उस रिमाइंडर के ऊपर दो चांसेस होते हैं। पहली बात तो ये कि वो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात आपने याद रखनी है। आप जब भी डिवाइड करें दो नंबर्स को इस तरह से प्रोसेस आपका डिवीजन प्रोसेस होना चाहिए कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स आपके डिवीजन प्रोसेस में कोई ना कोई कमी है, आप उसे मज़ीद डिवाइड करें। क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो सकता है, आपका डिवाइजर नेगेटिव हो सकता है, आपका डिविडेंड नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये अगर आपको बात बताओगी तो फिर आपका डिवीजन प्रोसेस कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा जी, आपका रिमाइंडर हमेशा चूँकि पॉजिटिव होता है और ज़ीरो भी हो सकता है अगर आपकी डिवीजन जो है वो कंप्लीट डिवीजन है। अगर आपका डिविडेंड को आपका डिवाइजर पूरा पूरा डिवाइड करता है जैसे 2 6 को पूरा डिवाइड करता है तो फिर रिमाइंडर आपका ज़ीरो बचेगा। तो रिमाइंडर या तो ज़ीरो हो सकता है अदरवाइज़ ये पॉजिटिव होता है, यानी कि ज़ीरो से ग्रेटर होता है और हमेशा ही अपने डिविडेंड डिवाइजर से लेस होता है, इस नंबर से लेस होगा। ठीक है, ये तो बचपन में ही मतलब बचपन से ये सब चीज़ें हम पढ़ते आते हैं, हमें पता होता है कि हमारा रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से छोटा होता है। इसके बाद ये फैक्ट हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर आप ज़रा गौर करें, देखिए इस इक्वेशन के दो केस बनते हैं। एक केस तो ये जैसे मैंने कहा कि अब मुझे ए और बी के जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसलिए मैं अंदाज़ा ही लगा सकती हूँ और उस अंदाज़े के तहत दो केस बनाऊंगी। एक केस ये कि जिसमें आपका रिमाइंडर ज़ीरो है, अगर ए जो है पूरा पूरा बी से डिविजिबल है तो फिर रिमाइंडर ज़ाहिर है आर वन जो आपके पास आया वो ज़ीरो है। और दूसरा केस वो होगा जिसमें अगर बी पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता ए को और कोई ना कोई रिमाइंडर ग्रेटर देन ज़ीरो बच जाता है तो दूसरा केस हमारा वो होगा। वन बाय वन इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं।
और हमारा टारगेट ये होगा दोनों केसेस में हम ये शो करें कि जी सी डी एग्जिस्ट करता है, ए और बी का जी सी डी एग्जिस्ट करता है। अब मैं अगर पहला केस ले लेती हूँ, मैं ये सपोज़ कर लेती हूँ कि अगर आपका रिमाइंडर इस रिविजन प्रोसेस में ज़ीरो है, तो फिर रिमाइंडर के ज़ीरो होने की वजह से आप ये देखें यहाँ पर आप जाके वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो। जब आप यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास, मैं यहाँ पर लिख दूँ, जब आपने ये पुट की तो आपके पास A is equals to B Q1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने से आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर वन है वो इस तरह की बन गई, A is equals to B Q1। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो A के दो फैक्टर्स नज़र आते हैं, एक फैक्टर B और एक फैक्टर Q1 नज़र आता है। तो B और Q1 दोनों A को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि B जो है वो A को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, B क्योंकि A का फैक्टर बन गया। अब एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है, और ये भी प्रूव हो गया यहाँ पे कि आपका दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करो। मिसाल के तौर पे जैसे एक नंबर आपके पास 2 है और दूसरा नंबर आपके पास 4 है, 2 जो है और आपको कहा जाता है कि आप 2 और 4 का जी सी डी फाइंड करें, जबकि 2 4 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इस केस में अंडरस्टूड बात है, जो छोटा नंबर है और वो डिवाइड भी कर रहा है दूसरे नंबर को, तो जी सी डी आपके पास 2 और 4 का 2 ही आएगा। सेम वही केस यहाँ पे बन गया कि आपके पास ए और बी का जी सी डी फाइंड करने का टारगेट था, जिसमें से बी क्यू ए को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो फिर ए और बी का जी सी डी अंडरस्टूड बात है कि बी ही निकलेगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि आपने हर जो भी केसेस बनाने हैं उसमें अपना रिजल्ट को प्रूफ करना। रिजल्ट क्या है कि जी सी डी एग्जिस्ट करता है, यस जी सी डी एग्जिस्ट करता है। अगर इस केस में यहाँ पे जी सी डी एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक है, बी आपका यूनिक है, एंड वी आर डन। ठीक है जी, लेकिन अगर दूसरा केस आप कंसिडर करती हैं जिसमें आप कहते हैं कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, मैंने जैसे कि कहा था कि दोनों केसेस को हमने डिस्कस करना है, तो दूसरा केस ये है कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, आपकी डिवीजन कंप्लीट डिवीजन नहीं है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ लीव करती है, तो फिर उस केस में क्या होगा। उस केस में आप इस इक्वेशन में जाएँ और इस इक्वेशन में जाके अब आप ये देखें इसके ऊपर एक और डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, इसके ऊपर आप एक और डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, और वह इस तरह से होगा क्योंकि इस डिवीजन के प्रोसेस में देखें आपका जो रिमाइंडर है वो आपके इस डिवाइजर से लेस होता है। तो इस इक्वेशन में आपका आर वन जो है वो आपके इस बी डिवाइजर से लेस है। अब आप एक और डिवीजन प्रोसेस लगाएंगे इस केस में आर वन और बी के ऊपर, देखिए आप बी को अंदर रखेंगे और आर वन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आपने बी को अंदर रखा, आर वन से डिवाइड किया, कोई ना कोई क्वेश्चन आया उसको क्यू टू कह दिया, और जो रिमाइंडर आया उसको नया रिमाइंडर आया, दैट्स वाई उसको आर टू आपने कह दिया, और जो नई इक्वेशन आपके पास से इक्वेशन बनेगी इसको वन प्राइम कह लें, जो नई इक्वेशन आपके पास डिवीजन की बनेगी वो बी इज इक्वल्स टू आर वन क्यू टू, सॉरी आर वन क्यू टू एंड प्लस आर टू। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी, इसमें अगेन जो रिमाइंडर आया है वो इस वक्त के डिविडेंड से लेस है, और वो रिमाइंडर ज़ीरो भी हो सकता है आर टू, और ज़ीरो से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है जी, ये इक्वेशन वन प्राइम आई। अब इस इक्वेशन को भी वैसे डील करना है जैसे हमने इक्वेशन नंबर वन को डील किया था। वन प्राइम को हम डील करेंगे, इसमें भी जो मेरे पास रिमाइंडर है, जिस जब जब आप डिवीजन प्रोसेस लगाएंगे तब तब आपने दो केस बनाने। पहली डिवीजन प्रोसेस हमने लगाया जिसमें ए को बी से डिवाइड किया था, उसके हमने ये दो केसेस बनाए थे, केस नंबर वन एंड केस नंबर टू, यानी कि पहले डिवीजन प्रोसेस के रिजल्ट में जो आपके पास डिवीजन इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन के रिमाइंडर को की दो वैल्यूज़ कंसिडर की, एक दफ़ा ज़ीरो और एक दफ़ा नॉन ज़ीरो। ज़ीरो जब कंसिडर की तो आपके सामने जी सी जी एग्जिस्ट कर गया, जब आप नॉन ज़ीरो कंसिडर करते हैं तो उस केस में आपको एक और डिवीजन प्रोसेस करना पड़ता है रिमाइंडर और डिवाइजर के साथ। उस जब आपने एक और डिवीजन प्रोसेस किया, एक नई डिवीजन इक्वेशन बनी, उस नई डिवीजन इक्वेशन में एक और डिवीजन आपके पास रिमाइंडर आ गया। जब जब रिमाइंडर आएगा तब तब आप उसके ऊपर केसेस लगाएंगे। केस नंबर वन, अब इस इक्वेशन का सब केस ये बन गया। इसमें क्या है कि इस रिमाइंडर के ऊपर फिर से दो आप सपोजिशन कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये नया आने वाला रिमाइंडर आपका ज़ीरो हो, और हो सकता है कि आपका नया आने वाला रिमाइंडर ज़ीरो ना हो। जब पहला केस डिस्कस किया कि सपोज़ किया कि ये नया रिमाइंडर आर टू ज़ीरो है, तो फिर उस केस में क्या होगा, आप इसको जाके पुट करें, ये वैल्यू आर टू अगर ज़ीरो है वन प्राइम में, तो वन प्राइम आपकी ये शक्ल बन जाएगी, आर टू ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि आर वन और क्यू वन दोनों बी के फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है आर वन बी और क्यू वन बी दोनों बी को डिवाइड कर रहे हैं। आर वन जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। अब बी क्या था, बी की अगर आप यही वैल्यू, असल इक्वेशन तो आपके पास यही थी ना जिसमें आपने ए और बी को आपस में डिवाइड किया था, अब आप क्या करेंगे बी की इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें।
टू को जब आप इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं तो ए की ये फॉर्म बन जाती है, जिसमें से आर वन कॉमन निकाल लेते हैं और ये कॉमन निकाल लेते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नंबर है क्यू वन क्यू टू प्लस वन, ये एक इंटीजर है, बिकॉज क्यू वन और क्यू टू दोनों इंटीजर्स थे, ब्रैकेट में एक इंटीजर है और आर वन भी एक इंटीजर है। सो ए इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, इसका मतलब है आर वन और क्यू वन प्लस क्यू वन क्यू टू प्लस वन, ये दोनों आर ए के फैक्टर्स हैं, ये दोनों ए को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है आर वन जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है और आर वन बी को भी डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे आपका आर वन जो है वो ए और बी का कॉमन डिवाइज़र बन गया। अब हमारी वही अप्रोच है जी सी टी की तरफ जाने की। मैं ये शो करना चाहती हूँ कि ये जो कॉमन डिवाइज़र है इसको चेक कर लेते हैं कि आया यही कॉमन डिवाइज़र इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इनके जी सी टी तो नहीं बन जाता। इसके लिए जी सी डी के लिए पहले तो जिस नंबर को जी सी डी बनना होता है वो उसका कॉमन डिवाइज़र बनता है और उसके बाद बाकी सारे कॉमन डिवाइज़र से ग्रेटर होता है। दूसरी वाली कंडीशन को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, सपोज़ किया कि ए और बी का एक और कॉमन डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है जो कि एस है। मैं अब ये शो करूँगी कि ये एस जो है ये आर वन से लेस है और ये एस और जितने भी कॉमन डिवाइज़र्स उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि जितने भी कॉमन डिवाइज़र्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं वो सारे कॉमन डिवाइज़र्स जो हैं वो आपके आर वन से लेस हैं। तो फिर आपका आर वन जो है इस वक्त ए और बी का जी सी डी बन जाएगा। अब आप ये देखें कि ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, हाँ, जैसे कि हम इस तरह के छोटे छोटे बहुत से थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। अगर ये बी को डिवाइड कर रहा है तो फिर इसका मतलब है एस जो है वो बी के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। अगर वो बी के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और ए को डिवाइड करता है तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। अब ए माइनस बी क्यू वन क्या है बाय इक्वेशन नंबर वन, अगर आप इक्वेशन नंबर वन से देखें ए माइनस बी क्यू वन आर वन आंसर देता है, इसका मतलब है ये आर वन को डिवाइड कर रहा है। अब ये डिवाइज़र, ये भी कॉमन डिवाइज़र है, ये भी कॉमन डिवाइज़र है, लेकिन एस कॉमन डिवाइज़र जो है वो आर वन कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है एस जो है वो आर वन से लेस है, इसका मतलब है आर वन ना सिर्फ कॉमन डिवाइज़र है बल्कि जी सी डी बन गया। अब इस केस में भी हमने जी सी डी की एग्जिस्टेंस शो करा दी, ठीक है जी। अब क्या है, अब इस इक्वेशन में देखें, वापस आते हैं वन प्राइम की तरफ। वन प्राइम के सब केसेस में पहला केस मैंने लिया था कि वन प्राइम जो दूसरी डिवीजन इक्वेशन थी उसका रिमाइंडर ज़ीरो है, अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो मेरे पास अगेन ए और बी का जी सी डी एग्जिस्ट करता है। अब इसका एक और केस बनता है व्हेन आर टू इज़ नॉट ज़ीरो, जब आर टू ज़ीरो नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जब आर टू आपका ज़ीरो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगी, बिल्कुल जैसे ऊपर का काम किया था वही काम रिपीट करेंगी। अब आप क्या करेंगी, इस केस में जो आपका डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है उनको आपस में रखेंगी और डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि नई डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे और जिसमें आप आर वन को अंदर रखेंगी और आर टू से डिवाइड करेंगी और नया अपना जो है क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराएंगी। अभी तक के क्वेश्चन क्यू टू तक थे, नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराएंगी आर टू क्यू थ्री और नया रिमाइंडर हमारे पास आर थ्री बचेगा और फिर इस डिवीजन इक्वेशन को लिखेंगी आर वन इज इक्वल्स टू आर टू क्यू थ्री प्लस आर थ्री, ये नई इक्वेशन बनेगी और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। देखिए जब तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है हम वहाँ पे हमारा ओके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है काम, लेकिन जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता तो फिर हमें मजबूरन एक और डिवीजन प्रोसेस करना पड़ता है। वो डिवीजन प्रोसेस और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि फाइनली मेरा रिमाइंडर कन्फर्म ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है जी। और ये कितने स्टेप्स होंगे, कितने स्टेप्स पास बाद रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, वो फाइनाइट स्टेप्स ही होंगे, ज़ाहिर है इतना बड़ा तो आपके पास नहीं कोई हो सकता, 10 होंगे 15 होंगे 20 होंगे, कुछ स्टेप्स के बाद आपके पास ये प्रोसेस जो है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब कुछ स्टेप्स के बाद आपका प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो वो स्टेप्स कितने होंगे हम अपने पास से सपोज़ कर लेते हैं, जनरली सपोज ही करना है ना, सपोज़ कर लेते हैं कि एन स्टेप्स के बाद ये प्रोसेस आप एन टाइम्स रिपीट करते हैं और एन के बाद जब आप एन प्लस वन स्टेप होता है वहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाता है। अब आपने जो जनरल इक्वेशन बनाई है अपनी इन स्टेप्स की वो देखें, वो ये बनाई है, ये आपके सामने लिखी हुई है, इसमें ज़रा गौर कर लें। क्यू का जो कॉफिशेंट है वो, यानी कि कोशंट्स का जो कॉफिशेंट है वो रिमाइंडर के कॉफिशेंट से मैच कर रहा है और जो कोशंट के साथ डिवाइज़र लिखा हुआ है आर की फॉर्म में उसका जो कॉफिशेंट है वो इस कॉफिशेंट से एक डिग्री बड़ा है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिविडेंड आर है उसका कॉफिशेंट इस डिवाइज़र के कॉफिशेंट से भी एक डिग्री बड़ा है। इसी इक्वेशन को मैं अब जनरल फॉर्म में लिखने लगी हूँ, इस इक्वेशन को जब मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगी तो आपके सामने ये देख लें, आपके पास ये जो प्रोसेस है मैं बता दूँ, इस केस में ये जैसे आपका बी जो है वो ज़ाहिर है आपके आर वन से ग्रेटर है, ये देखें आपका बी जो है
आपके आर वन से ग्रेटर है तभी तो आपने बी को आर वन से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे जो बात लिखी है, बी जो है वो आर वन से ग्रेटर है, आर वन के बाद कौन आता है, आर टू, आर टू आपका आर वन से लेस है। ये देखिए आर टू आर वन से लेस है। आर टू के बाद ये मैंने प्रोसेस नहीं चलाया, लेकिन अगर आप यही स्टेप्स चलाते रहें जो भी अगला रिमाइंडर आएगा वो पिछले रिमाइंडर से लेस होगा और करते कराते आप जीरो तक रिमाइंडर तक पहुँच जाएंगे। अभी जो वो जनरल इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी ना, देखिए उसकी ये फॉर्म मैंने लिखी हुई है कि क्यू एन का और आर एन रिमाइंडर का, क्वेश्चन का और रिमाइंडर का जो कॉफिशेंट है वो सेम है, और इस डिवाइज़र का जो कॉफिशेंट है वो इससे एक डिग्री बड़ा है, और इसका जो कॉफिशेंट है वो उससे भी एक डिग्री बड़ा है। अच्छा जी, ये देख लें, ये इससे एक डिग्री छोटा है और ये जो है इससे एक दो डिग्री छोटा है। ये देख लें, जैसे कि यहाँ पे थ्री था, यहाँ पे टू था और यहाँ पे वन था। वन और थ्री का रिलेशन जो है वो दो डिग्री का डिफरेंस है, दो नंबर्स का डिफरेंस है। तो इसी तरह से एन का और एन माइनस टू का दो नंबर्स का डिफरेंस है और यहाँ वन नंबर का डिफरेंस है। ये मैंने वही जो इक्वेशन अभी आपको एक और करके दिखाई थी उसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगर आप मिनिमम वैल्यू 3 पुट करें तो ये जो पहली इक्वेशन आपके पास बनेगी ये बनेगी आर वन आर टू क्यू थ्री प्लस आर थ्री। ये देखें आर वन आर टू क्यू थ्री प्लस आर थ्री, ये वाली जो इक्वेशन है ये आगे चलेगी और इसको मैंने जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। ये जनरल फॉर्म ऑफ डिविजन एल्गोरिदम है और n, ये अगर आपके पास n स्टेप्स तक चलती है, n के बाद जो n प्लस वन स्टेप आता है उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है, उस पे स्टॉप हो जाती है, यानी कि उस पे स्टॉप होने का मतलब ये उस पे रिमाइंडर आपका ज़ीरो आता है। इसी में जाके एन स्टेप्स तक तो ये ओके एन प्लस वन पुट करते हैं, एन की जगह एन प्लस वन पुट करते हैं और ये वो स्टेप है जिसमें आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस वन पुट करना है। जब आप एन प्लस वन यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ भी एन प्लस वन, और जब यहाँ एन प्लस वन पुट करते हैं तो उसकी जगह आपके पास एन आ जाता है, और जब यहाँ एन प्लस वन पुट करते हैं तो आपके पास एन माइनस वन रह जाता है, और ये वो रिमाइंडर है जो कि ज़ीरो है। यहाँ पे आर एन प्लस वन को आप पुट करेंगे ज़ीरो, ठीक है जी। अब आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचती है वो इस तरह की बचती है, वो चूँकि आर एन प्लस वन ज़ीरो हो गया तो आपके पास आपने आर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू एन प्लस वन इंटू आर एन, ये बच गया आपके पास। अब आपने क्या किया, आप देखें ये दोनों इसके फैक्टर हैं आर एन माइनस वन के, आर एन जो है वो आर एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से आर एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है। अब आप यहाँ से कह सकते हैं आपका हर अगला जो है आर एन वो पिछले आर एन को डिवाइड कर रहा है। ये देखें आर एन जो है आर एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, और आपका आर एन माइनस वन जो है वो पीछे आर एन माइनस टू को डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ से फिर आर एन माइनस टू को वो डिवाइड करेगा। जैसे एंड आप यहाँ लिख लें आर एन माइनस वन डिवाइड करता है आर एन माइनस टू को, ये नंबर आर एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है और आर एन माइनस वन आर एन माइनस टू को डिवाइड कर रहा है, तो पहला जो फिर तीसरे को डिवाइड करेगा और फिर इसी तरह से सिलसिला चलता जाएगा आर एन माइनस टू आर एन माइनस थ्री आर एन माइनस फोर करते कराते आप पहुँचेंगे आर टू पे। आर टू को अगर आपका आर एन डिवाइड कर रहा है तो करते कराते आप आर वन पे पहुँचेंगे और फिर करते कराते आप बी तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आप क्योंकि इन इन स्टेप्स को जब आप बैक पे करते हैं इन इक्वेशंस को, ये जितनी भी डिविजन एल्गोरिथम लिखी है सबसे पहली इक्वेशन की तरफ आते हैं। ये सेकंड इक्वेशन थी नंबर पे, ये सेकंड इक्वेशन पे, और फिर लास्ट वाली यानी कि जो सबसे पहली इक्वेशन पे पीछे पीछे आते हैं। आप जैसे जैसे सबस्क्रिप्ट को आप बड़ा करते जाते हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट को इन अ सेंस आपके पास छोटा करते जाते हैं, जैसे ये आपके पास आर एन है, ये अपने से पिछले सबस्क्रिप्ट को उससे पिछला सबस्क्रिप्ट उससे पिछला सबस्क्रिप्ट करते कराते आप आर वन की तरफ पहुंच जाएंगे और फिर आप बी की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि बी के अंदर जो इक्वेशन है वो आर वन है। अगर आपका आर एन आर टू को भी डिवाइड कर रहा है, आर वन को भी डिवाइड कर रहा है, तो राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, मीन्स पूरे के पूरे वो बी को डिवाइड कर रहा है, और बी को अगर डिवाइड कर रहा है तो फिर आप इसमें देखें बी को डिवाइड कर रहा है तो बी के मल्टीपल को भी डिवाइड कर रहा है, और आर एन को तो पहले ही आर वन को तो पहले ही आर एन डिवाइड कर रहा था, तो राइट हैंड साइड की वजह से फिर आपका ये ए को भी डिवाइड करेगा। अब आर एन एक ऐसा डिवाइज़र मिल गया जो ए का भी है और बी का भी डिवाइज़र है, ये दोनों का कॉमन डिवाइज़र आपको मिल गया। अब अगेन मैं चाहती हूँ कि यही जी सी डी बन जाए, अगर यही नंबर जी सी डी बनना चाहता है तो फिर आपके पास क्या सीन है कि आप इसको दिखाएं ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है। तो अगर आप इसी तरह से कोई और डिवाइज़र कॉमन डिवाइज़र लेट कर लेते हैं एस और ए और बी का, तो फिर वो एस जो है चूँकि ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, तो फिर इसका मतलब ये है
कि अगेन मैं दिखाऊँ, अगर वो ए और बी दोनों का कॉमन डिवाइज़र है तो फिर मैं आप यहाँ से कह सकते हैं ए माइनस बी क्यू वन का भी डिवाइज़र है। ठीक है जी, एस जो है वो ए माइनस बी क्यू वन का भी डिवाइज़र है। ये देखें ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, तो दिस इम्प्लाइज एस डिवाइड करता है ए माइनस बी क्यू वन, और ए माइनस बी क्यू वन जो है ये आर वन के बराबर है। तो फिर इसका मतलब है आपका एस जो है वो आर वन को डिवाइड करता है। अब आर वन के साथ क्या सीन था, आपका आर वन जो है वो आर टू को डिवाइड करता है। ये देखें एस आपने अभी कहा आर वन को डिवाइड करता है, तो इस बात को यहाँ रख के पुट करें, एस अगर आर वन को डिवाइड कर रहा है तो इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, आर वन इंटू क्यू टू को, इस टर्म को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है एस, तो इनकी सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा और इनकी सब्ट्रैक्शन बराबर आती है आर टू के। इसका मतलब ये है कि एस आपका आर टू को भी डिवाइड करेगा, और ये प्रोसेस फिर सिमिलरली चलता चला जाएगा। फिर आपका एस जो है वो आर थ्री को भी डिवाइड करते करते एस आपका आर एन की तरफ आएगा और आर एन को भी डिवाइड करेगा। अब एस जो है आर एन जो है वो ग्रेटर हो गया, एस छोटा हो गया। अब यहाँ से दोनों कॉमन डिवाइजर्स थे, एस भी कॉमन डिवाइजर था और आर एन भी कॉमन डिवाइजर था, तो दोनों कॉमन डिवाइजर में अगर हम जी सी डी देखें तो फिर अब आर एन हमारा जी सी डी बन जाता है ए और बी का। नाउ ए और बी का जी सी डी जो है वो आर एन है। अब दूसरा काम जो है वो इसको यूनिक दिखाना है। यूनिकनेस के लिए आप देखें कि अगर इन जनरल मैं बात करती हूँ कि अगर आप ए और बी आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं और आप इनका जी सी डी कंसिडर करते हैं यूनिक नहीं है, इनका जी सी डी दो एग्जिस्ट करते हैं, एक डी वन इनका जी सी डी और एक डी टू इनका जी सी डी है, तो अभी पता चल जाएगा कि यूनिक ही होते हैं। देखिए एट अ टाइम तो आप एक नंबर को ही जी सी डी कंसिडर कर सकते हैं ना, आपने कहा भाई दोनों है, ठीक है। अगर हम एक वक्त में कंसिडर करें कि डी वन जी सी डी है, ठीक है, तो डी टू कौन है, डी टू भी जी सी डी है लेकिन जी सी डी के साथ साथ वो कॉमन डिवाइज़र ही होता है ना, कॉमन डिवाइज़र। अगर हम डी वन को एज अ जी सी डी कंसिडर करें और डी टू को एज अ कॉमन डिवाइज़र कंसिडर करें तो आपका जी सी डी जो है वो कॉमन डिवाइज़र से बड़ा होगा, डी वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी टू का रिलेशन आएगा। और अगर दूसरे केस में अगर हम ये कंसिडर करें कि डी टू को जी सी डी कंसिडर करें और डी वन को हम एज अ कॉमन डिवाइज़र कंसिडर करें तो फिर आपकी इक्वेशन बनती है डी टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी वन। इन दोनों इक्वेशन को मिलाने से डी वन और डी टू बराबर आ जाते हैं। यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो जी सी डी है वो हमेशा यूनिक होता है। सो आज का तरफ हमारा काफ़ी लंबा था ये शो करने के लिए कि आपका कोई से दो नंबर्स अगर हों उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो हो तो दोनों इंटीजर्स के जी सी डी एग्जिस्ट करता है और साथ वो यूनिक होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इस लेक्चर वीडियो को देखने के बाद काइंडली आप अपने रिमार्क्स ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।